होशंगाबाद जिले में नौकरशाही चरम पर है। अधिकारी कर्मचारी किसानों की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में सामने आया। जपतपा तहसील शिवपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम चापा देवली के किसान तहसील कार्यालय पहुंच SDM के नाम एक आवेदन तहसीलदार दिनेश सावले को सौंपा। उन्होंने बताया कि हमारे ग्राम चापा देवली में रायगढ़ से 22 नहर निकली हुई है जो नर्मदा प्रसाद के खेत आकर रुकी है। तत्समय चकबंदी एवं नहर विभाग द्वारा पानी का निकासी का कार्य नाले में किया जाता था, परंतु नर्मदा प्रसाद के द्वारा नाली को बखड़ कर खेत में जोड़ लिया। उसके साथ साथ चकबंदी के समय बने रास्ते भी, जो कि हम सभी कृषकों के खेतों में निकलते थे, उन्हें भी तोड़ दिया। उसके बाद जब किसान नहर विभाग के SDO साहब एवं नहर के अन्य अधिकारी हमारे खेतों में पहुंचे और हमारी बिना जानकारी के हमारे खेतों में चूने की लाइन डाल दी। हम अपने खेत पर लगभग 4 बजे पहुंचे, तब खेतों में चूना डले देख आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहर विभाग के अधिकारी आए थे, चूना डाल गए हैं, वह नाली बनाएंगे। जब हम सभी किसान SDO साहब एवं ई साहब से मिलने सिवनी मालवा आए और हमने उनसे पूछा कि आपने हमारे खेत में चूने की लाइन क्यों डाली, तब SDO साहब रायगढ़ 22L के द्वारा हमसे कहा कि ज्यादा पूछताछ कर रहे हो, ज्यादा समझ में आ रही है क्या, 15 साल के लिए जेल में डलवा दूंगा। उसके बाद हमने अपने खेतों के पास नहर के नक्शे मांगे तो जाओ अधिकारियों से बात करो, हम नहीं देंगे। हम ही मैडम के पास पहुँचे, हमने मैडम को समस्या बताने लगे तो मैडम ने पूरी समस्या सुने बिना कहा कि सब बाहर भाग जाओ, मेरे पास मत आना, मेरे पास आओगे तो आपके विरुद्ध FIR करा दूंगी। दोनों अधिकारियों के द्वारा हम सभी कृषकों के साथ अभद्रता की है एवं जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। इससे पूर्व भी हमारे द्वारा सिंचाई विभाग को आवेदन दिए थे, परंतु सिंचाई विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं हमें ही परेशान किया जा रहा है, अतः उक्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मैडम से कहा कि हम आवेदन दे सकते हैं, बोले मुझे आपके कोई आवश्यकता नहीं है, बोले आप तो गेट आउट करते था। हम लोग सारे लोगों को ये बुजुर्ग के 70-70 साल के ये कल की बात है, 5 मिनट हम किसानों का ऐसा सा अनादर हो किया जा रहा है। और क्या नाम है आपका? अशोक साहू। कौन से गाँव से? चापा देवड़ी से। क्या समस्या है आपको? समस्या साहब पानी की है, अंतिम छोटे किसान है हम, ऊपर के किसान का पानी जाता है और हम लोगों के खेत में अवैध रूप से नाली निर्माण करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये नहर विभाग के SDO साहब रितेश जी। अधिकारियों से आप लोग मिले थे? अधिकारियों से मिले हम, रितेश जी से मिले, प्लस ई मैडम साहब जी से मिले। उन लोगों से हमें हमारा निवेदन रखा कि मैडम हमारी ये समस्या है, आप इस पार्ट पर देकर जानी है। मैडम साहब ने किसी प्रकार के स्वीकार नहीं किया, बोला हम लोग आपको लिखित देते हैं, बोले मुझे आपको कोई लिखित की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं, आपके नाली बनाई जाएगी। हमारे खेत में जब चूने की नाली लाइन डाल दी है, इससे हम लोगों का नुकसान होने की संभावना है। अतिरिक्त हमसे ऊपर जो बड़ा किसान है नर्मदा प्रसाद साहू, वो मनमनी तौर से अधिकारी और उनकी सहायता करते हैं, हम छोटे किसानों को दिक्कतों को समझ नहीं रहे। क्या हम छोटे किसानों का भविष्य हमेशा ऐसे गर्त की ओर जाता ही रहेगा क्या? इसके लिए सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी क्या? SDO से बात की तो उनका क्या कहना है? SDO से की बोले कुछ नहीं, आप तो कुछ ही मुझे से बात नहीं करोगे, आपको मैं ज्यादा अगर सहनशागिरी करोगे तो जेल में डलवा दूंगा 15 साल के लिए। हम निवेदन कर साहब आप हमारा निवेदन स्वीकार कर रहे हैं कि हम आपको जेल में डालें? एक किसान अगर किसान कृषि अधिकारी से संबंधित बात नहीं करेगा तो वो अपनी समस्या किससे बात लेकर जाएगा? क्या नाम है आपका? हुमान सिंह पाटिल। क्या मामला है, क्या हुआ? हमारे पानी का विवाद, पानी का विवाद है। किसानों ने, एक किसान ने नर्मदा साहू नाला को छोड़ दिया है और हम फिर, हमको कुछ ऐसा पता लगा यहाँ चूने की रेखा डाल गए हैं, तो हम फिर आए हुए दौड़े यहाँ चूनी मालवा से आए थे, SDO के पास गए। SDO साहब से हमने बात करी तो SDO साहब तो हमको देता हूँ, मैं तुम जेल में करवा दूंगा, तो ऐसा करवा दूंगा, तो ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। ई भाई साहब मैडम जी उससे भी यही बात करके यहाँ से निकलो तुम यहाँ तो क्या करें, तो आप प्रशासन जब नहीं काम कर पाएगी नहर विभाग की तो फिर हमारा तो क्या होगा?